Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the performance appraisal, and there are types of methods in performance appraisal which are been divided into the traditional method and modern method. So today we'll be discussing and focusing more on the 360 degree appraisal, which is a method of performance appraisal and which comes under the modern methods. So aaj hum 360 degree appraisal ke bare mein baat karne wale hai, और इसके रिलेटेड मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा बाय सम ऑफ द एग्जांपल्स एज कंसर्न. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट करने से पहले आई एम राहुल, एंड आपको डाउनलोड करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप, जिसपे मैं वेरीफाइड एडुकेटर हूँ. और आपको सर्च बार में सर्च करना है राहुल मोहिले. HRM का एक पूरा कोर्स मैंने वहाँ पे डाला है, जिसमें आपको सारे लेसन्स लाइन से मिल जाएंगे. मुझे फॉलो करें, मुझे रेट रिव्यू और कमेंट ज़रूर करें. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करें और प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें. तो लेट्स स्टार्ट विद दी 360 डिग्री अप्रेजल. तो 360 डिग्री अप्रेजल जो है, ये एक मॉडर्न मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि हम हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करें, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़. तो 360 डिग्री अप्रेजल क्या करता है? फीडबैक लेता है. फीडबैक किससे लेता है? पीपल वर्किंग अराउंड और विद दी एम्प्लॉय ऑल्सो. तो एम्प्लॉय से खुद से भी फीडबैक लेता है, जितने आसपास उनके लोग हैं सारे लोगों से फीडबैक लेता है. यहाँ पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाता है बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ, हिज सुपीरियर्स, हिज पीयर्स, हिज सबऑर्डिनेट. सबसे परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन किया जाता है ताकि अच्छा इवैल्यूएशन हो पाए. तो अंडर दिस मेथड द परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड बाय नंबर वन इज द सुपीरियर्स. तो सुपीरियर्स से जो उनके मैनेजर्स है उनसे भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाएगा. नंबर सेकंड, सबऑर्डिनेट्स जो होंगे उनसे भी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा. मतलब 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब है कि एक परफॉर्मेंस को बहुत से लोगों ने इवैल्यूएट करना है और बहुत से लोगों से इवैल्यूएशन लिया जाएगा, ताकि एक अच्छा डिसीजन निकल पाए कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो वर्कर्स ने किया है या जो भी इंडिविजुअल ने किया है वो एग्जैक्टली कितने लेवल पे कंपनी को बेनिफिट दे रहा है. तो दैट इज ऑल्सो द पॉइंट. सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, फिर पीयर जो ग्रुप्स होगा, क्लाइंट जो होगा उनसे भी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा. सेल्फ असेसमेंट भी करना है, खुद ही अपना असेसमेंट भी करना है. दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इवैल्यूएशन ऑल्सो. दिस मेथड ऑल्सो हेल्प्स इन सेल्फ इवैल्यूएशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट. फिर रेटिंग कमिटीज भी होती है, वो रेटिंग कमिटीज भी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 6 to 7 पॉइंट्स में परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है. तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बहुत सारे तरीकों से किया जाता है. 360 डिग्री अप्रेजल यूजुअली परफॉर्मेंस मेजर करता है मिडिल लेवल और सीनियर लेवल मैनेजर्स के लिए. द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो बेनिफिटेड एज द मेथड इंश्योर्स दैट सूटेबल एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई इज सिलेक्टेड फॉर फ्यूचर प्रमोशंस और ट्रांसफर्स. तो यहाँ ये मेथड्स मिडल लेवल में और सीनियर लेवल के लिए भी यूज़ होता है, एज वेल एज जो गूगल है, गूगल ने अडॉप्ट किया है 360 डिग्री अप्रेजल फॉर असेसिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ दी एम्प्लॉयज. दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, एंड मुझे अन अकेडमी पे फॉलो करो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. टिल देन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.